अगर आप लो फैट पिज्जा बनाना चाहते हैं तो आपको पहले लजीज लो फैट चीज तैयार करना होगा, और यूरोपियन रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे रिसर्चरों ने ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने बिना मलाई वाली दूध से ऐसा चीज बनाया है जिसमें सामान्य मोत्सरेला की तुलना में महज 14% ही वसा है और स्वाद बिल्कुल असली जैसा। हमने जो चीज बनाया है उसमें सिर्फ 3% फैट है। इसे खास तरह के बैक्टीरिया से तैयार किया गया है। हम देख सकते हैं इस चीज में वसा की मात्रा बहुत ही कम है, क्योंकि इसका टेक्सचर और रंग सामान्य मोत्सरेला से अलग है। लेकिन एक दिक्कत है, ये लो फैट चीज हवन में वैसे पिघलता नहीं जैसा कि आम तौर पर पिज्जा वाला चीज। ये भले ही स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो लेकिन ग्राहकों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये चीज काफी सख्त है और इसे पिज्जा में इस्तेमाल करना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये उसी तरह से पिघलता नहीं है। लेकिन इस समस्या का भी हल है। इस मशीन में चीज को कसा जाता है, फिर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे एक चैम्बर में ले जाया जाता है जहां इस पर एक खास तरल स्प्रे किया जाता है। मशीन के अंदर एक स्प्रेइंग सिस्टम है जो कसे हुए मोत्सरेला को एक कोटिंग से ढक देता है, और ऐसा बिल्कुल एक समान तरीके से होता है। इसीलिए अंत में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी भी एक समान होती है। दरअसल जो तरल छिड़का गया है उसके कारण चीज बेहतर रूप से पिघल पाता है। इसका फॉर्मूला तो राज ही रखा गया है, लेकिन रिसर्चरों का दावा है कि इसे भी दूध से ही बनाया गया है। ये बहुत ही आसान सी रचना है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि ये गोपनीय जानकारी है, लेकिन इसमें सब कुछ प्राकृतिक है। भले ही कोटिंग में दूध की वसा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इससे चीज में वसा की मात्रा बढ़ती नहीं। आप वसा की एक छोटी सी ही मात्रा मिला रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ सतह पर ही उसकी जरूरत है, पूरे चीज में उसे मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। Not distributed throughout the entire cheese shred. और अब एक बार फिर स्वाद का टेस्ट। आधे पिज्जा पर बिना स्प्रे किया हुआ चीज डाला गया है और बाकी आधे पर स्प्रे किया हुआ। बिना स्प्रे किया हुआ मोत्सरेला ठोस है, भूरा पड़ चुका है, जल गया है और इसमें रेशे हैं, जबकि स्प्रे किया हुआ नरम है, हल्का है और इसका टेक्सचर भी अच्छा लग रहा है। रिसर्चरों को उम्मीद है कि जल्द ही ये नया चीज बाजार में अपनी जगह बना पाएगा और फिर वो लोग भी पिज्जा का मजा ले सकेंगे जिन्हें इसमें मौजूद कैलोरी से दिक्कत रहती है।